बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है सईद। सबसे पहले हमारी बहुत सारी दुआएं आप और आपके घर वालों के लिए कि आप कोविड 2019 के असरात से महफूज रहें। अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड 2019 ने जहां हमारे मामूलाते ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर किया, इसी तरह इसने जो बहुत बड़े बड़े शोबे थे जिसमें सियाहत, हवाबाजी और होटलिंग थे, इनको बहुत ज़्यादा मुतासर किया। क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ ने जब केसेस का सिलसिला शुरू हुआ कोविड 2019 के, उन्होंने अपने जो एक्सटर्नल बॉर्डर थे वो क्लोज़ कर दिए थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, तुर्की एक टूरिस्टिक प्लेस है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह हैं विज़िट करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है टूरिज़म के लिए। और पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो तुर्की की टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। उसकी बड़ी वजह है तुर्की की टूरिस्ट फ्रेंडली जो पॉलिसी है, उन्होंने बहुत सारे ममालिक को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दी। इसी तरह जो पाकिस्तानी, इंडियन और जो एशिया की दूसरी कंट्रीज़ थे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सहूलतें पैदा की। यानी जिनके पास अगर यूके का, शेंगेन या USA का वैलिड वीज़ा होता है तो वो ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर हम 2020 के अदाद शुमार की बात करें जो कि इशू किए तुर्की की कल्चर और टूरिज़म मिनिस्ट्री ने, अगरचे ये फिगर कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तुर्की ने जब अपने बॉर्डर क्लोज़ किए तो उसके बाद उन्होंने ओपन किए जून के तकरीबन वस्त में, जून में उन्होंने वीज़ा प्रोसेसिंग अपनी शुरू कर दी थी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। और जो मिनिस्ट्री ने फिगर जारी किए उसके मुताबिक तकरीबन 4.5 मिलियन लोगों ने पहले 6 महीनों में तुर्की का सफ़र किया, जबकि 2019 की अगर आदोशुमार की बात की जाए तो पहले 6 महीनों में तकरीबन 18 मिलियन लोगों ने तुर्की का सफ़र किया था टूरिज़्म की गर्ज से। एक बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई इन नंबर में कोविड 2019 की वजह से। 2020 में तकरीबन 75% जो तुर्की का टूरिज़्म था वो कम हुआ, जो टूरिज़्म सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ थी वो कम हुई, टूरिस्ट की जो तादाद थी वो तकरीबन 75% कम थी 2019 के मुकाबले में। लेकिन तुर्की उन ममालिक में शामिल था जिसने बहुत अच्छे से कोविड 2019 को हैंडल किया शुरू में, और अपने जो बॉर्डर थे उनको दूसरे मुल्कों के लिए खोला और अपनी जो सियाहत थी उसको किसी हद तक बहाल किया। क्योंकि तुर्की में बहुत ज़्यादा लोगों का जो रोज़गार है वो सियाहत से वाबस्ता है। अगर 2020 की बात की जाए लॉकडाउन के बाद, तो तुर्की की वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी थी। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि यूरोप और जो दूसरी कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने बॉर्डर बंद किए हुए थे, तो वहाँ से टूरिज़्म के जो पर्पज़ से लोग आते हैं उनकी तादाद ना होने के बराबर थी क्योंकि बॉर्डर बंद थे। तो इसका फ़ायदा हुआ एशियन कंट्रीज़ को, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल को। तुर्की ने काफ़ी ज़्यादा वीज़ा इशू किए इन कंट्रीज़ में और वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी रही। अगर 2021 की बात की जाए तो अभी तक भी बहुत से ममालिक ने अपने जो बॉर्डर हैं वो नहीं खोले, तो उसकी वजह से जो तुर्की की वीज़ा रेशो है वो पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी चल रही है। वीज़ा रेशो अच्छी होने का मकसद ये नहीं कि आप बस अपने जो नामुकम्मल फ़ाइल है वो तुर्की एम्बेसी में जमा कर दें और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। वीज़ा रेशो अच्छी होने का ये मकसद है कि आपका वीज़ा लगने का अच्छा चांस है अगर आप अपने फ़ाइल प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करते हैं और सबमिट करते हैं जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, और एम्बेसी को इनफ टाइम देते हैं कि आपका वीज़ा प्रोसेस करे, तो आपके वीज़ा लगने के बहुत अच्छे चांस हैं। इसमें जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, एम्बेसी फ़ीस कितनी है, आपने फ़ाइल कहाँ पर जमा करानी है, और आपको फ़ाइल जमा करने के बाद कितना वेट करना पड़ेगा, इसके लिए ऑलरेडी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो
आप देख सकते हैं। और आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी वो वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी तकरीबन 1,10,000 व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप फाइल ख़ुद तैयार नहीं कर सकते तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर, लैंडलाइन नंबर और एड्रेस टिकर में देख सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट्स करें, ईमेल करें, मुझे व्हाट्सएप करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स, ईमेल और सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।